हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दादरी न्यायिक परिसर में पहली बार जिला स्तरीय जनसेवा शिविर लगाया गया। इसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लेकर सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज बनवाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और वरिष्ठ एडिशनल सेशन जज अरविंद नायर ने कोर्ट परिसर में आउटरीच कैंप का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने यह कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवा दी है, जिससे लोग बेहद फायदेमंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जिला प्रशासन का सक्रिय योगदान रहा है, आगे भी इस प्रकार के आयोजन कराए जाएंगे। इससे पहले अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद नायर ने अपने साथी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिखा यादव ने कहा कि जिले के गांवों और शहर के इलाकों में समय समय पर कानूनी सहायता और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। खालसा के डायरेक्शंस पर भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम एक ही जगह पर आम आदमी को, आम लोगों को जो कोर्ट में आते हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं एक जगह पर प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ उनको जागरूक करने का भी हमारा उद्देश्य है। और इसी कड़ी में ही हमने पौधारोपण भी कराया है और अलग अलग विभागों के यहाँ स्टॉल लगाई गई है। तो न्याय प्रणाली आप सब जानते हैं, देखिए कई फैक्टर होते हैं जिससे कि केस को डिसीजन होने में समय ज्यादा लग जाता है कई बारी, लेकिन उसके लिए हमने जैसे आज यहाँ पर आयोजन किया है, एडीआर मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताया गया है। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में मीडिएशन का जो सेंटर है वो शुरू हो चुका है। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता केंद्र यहाँ शुरू हो गया है। Thank you.